माय नेम इज़ अपूर्वा जैन एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन भोपाल से की है यूआईटी आरजीपीवी और मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। जून 2017 में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई एंड जुलाई में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फरवरी में था, तो बिगनर स्ट्रैटेजी यदि मैं बात करूँ तो एक्चुअली जो प्रिपरेशन होती है वो पहले मेंस की होती है, देन यू शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीलिम्स। तो जुलाई से लेके ऑलमोस्ट नवंबर तक मैंने मेंस पे ज़्यादा फोकस किया एंड देन आई शिफ्टेड माय फोकस टुवर्ड्स प्रीलिम्स। तो बेसिकली टू टू थ्री मंथ्स यदि आप अच्छे से देते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। बट ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको मेंस की प्रिपरेशन पहले करनी है। 4 से 5 महीने एवरीडे यू हैव टू कॉम्पीट विथ योरसेल्फ, आपको बेटर बनना है। देन जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं सारी बुक्स पढ़ के रेफरेंस पढ़ के, तो फिर आप कॉम्पीट कर सकते हैं और दूसरों के साथ रैंक आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी क्या रैंक आ रही है। देन कि मैंने जो भी बताया ये इसीलिए है क्योंकि मेंस जो है ये कोर है आपका पूरा प्रिपरेशन का। प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं और यदि आपका मेंस अच्छा नहीं है तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ईयर। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि मेंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। यदि आपके मेंस में मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपके इंटरव्यू में भी यदि बहुत अच्छा आप स्कोर नहीं कर पाते हैं तो यू विल गेट अ डिसेंट पोस्ट। लाइक मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे थे एंड 29th रैंक है मेरी, देन ऑल्सो आई गॉट अ क्लास 2 ऑफिसर पोस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस को आप ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी प्रिपरेशन करें। प्रीलिम्स थोड़ा सा लक बेसिस होता है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मेंस में लक नहीं होता है, मेंस में आपकी पूरी मेहनत होती है जो काम करती है एक्चुअली। देन व्हेन यू स्टार्ट, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए प्रीलिम्स के और मेंस के, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप एग्जाम की डिमांड को समझेंगे, फिर जब आप अपना एक बार बेस डेवलप कर लेते हैं धीरे धीरे आप क्वेश्चन से अपने आप को रिलेट करने लगेंगे। सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको बार बार देखना है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ, बिकॉज तभी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ आएगा कि आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं। फिर जब मेनली मेंस के बारे में मैं बात करती हूँ तो हम मेंस का स्ट्रक्चर यदि देखें तो टोटल 6 एग्ज़ाम्स होते हैं, GS1, GS2, GS3 जो 300 मार्क्स ईच, देन GS4 आपका एथिक्स का होता है, 5th पेपर जो होता है आपका जनरल हिंदी 200 मार्क्स का, और ऐसी राइटिंग जो होती है आपकी वो हिंदी में होती है 100 मार्क्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं पूरे 6 पेपर्स हैं उनमें आपको अच्छा स्कोर करना है, किसी एक में स्पेशलाइजेशन आपको नहीं करना है, आपको सब में एवरेज होना है या अबव एवरेज बोल सकते हैं, बट कोई सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं, दैट वो हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड देन जो आपका सोशल इशूज़ इकोनॉमिक्स ये पेपर्स एक्चुअली स्कोरिंग है, हिंदी बहुत स्कोरिंग है। तो यदि आप इन पे ध्यान देंगे तो आपका जो ओवरऑल मेंस का स्कोर है वो बहुत अच्छा होगा। तो डेवलप अपनी एनालिसिस डेवलप करो एग्ज़ाम्स के बारे में, बार बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के और सिलेबस को देख के। एक्चुअली कुछ मिथ्स हैं जो लोगों ने यहाँ बना रखे हैं प्रिपरेशन के वक्त। सबसे पहले तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग तो आपको ये भूल जाना है कि आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या MPPSC। सपोज आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू स्टडी M. लक्ष्मीकांत, वो आपको UPSC के लिए भी पढ़ना है, वो आपको MPPSC के लिए भी पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी NCERTs। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करिए, देन आप एग्ज़ाम के पेपर्स देखिए MPPSC के, तो आपको समझ आएगा कि आपको कितना उस पर काम करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, लोगों को लगता है कि आप पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए देन यू प्रिपेयर फॉर मेंस, तो ये मैंने पहले भी बता दिया है कि प्रिपरेशन पहले मेंस की होती है फिर आप प्री के तरफ शिफ्ट होते हैं, तो ये आप विशेष ध्यान रखिए इस बात का। एंड अदर मेंस सर के टफ होता है या ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने 1 साल में निकाला है और बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो यदि आप सही डायरेक्शन में सही मेंटर के अंडर में कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप जा रहे हैं, तो यदि आपको डायरेक्शन सही मिल रहा है या आप किसी सीनियर के गाइडेंस में भी कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इन द राइट डायरेक्शन यू विल बी देयर। अगेन वन मोर थिंग, शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत आप डाल लीजिए हर चीज़ के, जितने ज़्यादा सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करेंगे उतना आप रिविजन कर पाएंगे, और रिविजन बहुत ज़रूरी है। रिविजन यदि आप करेंगे तो एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे, तो लिखने के लिए रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। अब हम सोर्सेज के बारे में जो बात करने वाले हैं, देखो बेसिक NCERTs आपको सबके लिए पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के लिए जो आप पढ़ते हैं, देन जो रेफरेंस बुक्स बताई जाती हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशियंट के लिए RS शर्मा, MPPSC में स्पेशली लूसेंट आप रेफ़र करिए प्रीलिम्स के वक्त आप, मतलब मैंने प्रीलिम्स के 1 महीने पहले ही लूसेंट खरीदी थी एक्चुअली, 1-2 महीने पहले।
तो आप एक दो महीने अच्छे से लूसेंट पढ़ेंगे यदि अपना बेस डेवलप करने के बाद, तो यू विल गेट थ्रू द प्रीलिम्स और मेंस में भी आपको 3 मार्कर्स में हेल्प मिलेगी, 3 और 6 मार्कर्स में। फास्ट रिविजन के लिए अच्छी है वो बुक, बट स्टार्टिंग में आपको लूसेंट रेफर नहीं करना है। देन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा सा हिंदी में इशू होता है, तो मैंने अपना हिंदी कैसे डेवलप किया था, लाइक थोड़े से नोट्स यहाँ पे हिंदी में ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो कुछ हिंदी लूसेंट पढ़ी थी, उससे हिंदी इम्प्रूव हुई। सेकेंडली जो एक न्यूज़पेपर आता है जनसत्ता, उसको आप रेफ़र करिए, वो दिल्ली से पब्लिश होता है और उसका ऐप भी है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका एडिटोरियल मैं कंसिस्टेंटली पढ़ती थी, उसको आप कंसिस्टेंटली पढ़िए, उससे आपकी 3-4 चीज़ें इम्प्रूव होंगी। सबसे पहले तो वो करंट एडिटोरियल है, तो आपका करंट इम्प्रूव होगा। सेकेंडली आपका हिंदी वोकैब, थर्ड आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग कैसे करना है, आपको एक राइटिंग स्टाइल है, क्योंकि वो एडिटोरियल है तो अच्छे एडिटर्स लिखते हैं, तो पढ़ते पढ़ते यू डेवलप दैट, आपकी साइकोलॉजी वैसी बन जाती है, तो आप फिर अच्छा लिखने लगेंगे। तो उसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जनसत्ता का एडिटोरियल पढ़ने के। फिर एक कोई भी मैगजीन, या तो आप दृष्टि IAS की मैगजीन रेफ़र कर सकते हैं, विजन का जो PT 365 आता है उसको आप रेफ़र करिए, और हर सब्जेक्ट का यदि आप वो मैगजीन सब्जेक्ट वाइज वो कैटेगराइज करके देते हैं, तो आप यदि उसको पढ़ेंगे तो आपका करंट इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में आपको कंटेंट जो है आपका रिच हो जाएगा। ओके, लास्ट में मैं ये सबको कन्वे करना चाहती हूँ पर्सनली, दैट आप खुश रहिए, बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन में। इस प्रिपरेशन के बाद मुझे नहीं पता यू विल बी डिप्टी कलेक्टर और IAS या नायब तहसीलदार जो भी बनेंगे, बट यदि आपने सिंसियरली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है विथ फुल योर डेडिकेशन, तो अल्टीमेटली यू विल बी अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, एंड आप इतना नॉलेजेबल होंगे, यू विल फील लाइक ओके कि लाइक लाइफ आपकी वर्थ वो होगी, कि आपने जो भी बचपन से लेके अभी तक पढ़ा सब रिवाइव हो जाएगा। तो जस्ट बी हैप्पी, बी गुड एट हार्ट, ये बहुत ज़रूरी है। बी ओपन, बिल्कुल भी जेलस होने की ज़रूरत नहीं है किसी से। यदि आप किसी को बता रहे हैं नॉलेज, जब आप किसी को भी दे रहे हैं, इट विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन एग्जाम। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, बी हैप्पी एंड प्रिपेयर, बी कंसिस्टेंट इन द प्रिपरेशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। डोंट लीव इट कि आपसे नहीं हो रहा है, लगे रहो। बीच में कई बार मैं भी डीमोटिवेट हुई थी कि छोड़ दूँ, रोई भी हूँ कई बार, बट देन कोई था जो सपोर्ट करता रहता था, पीछे से सीनियर्स थे, फ्रेंड्स थे, पेरेंट्स थे, तो वो सब बहुत ज़रूरी है। ये प्रिपरेशन के अलावा आप अपने आप को खुश रखिए और प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू। MPBSC मेंस में कैसे लिखें उत्तर, जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें MP परीक्षा चैनल को, और मेंस में 3rd highest मार्क्स प्राप्त करने वाली अपूर्वा जैन से जानें मेंस में उत्तर लिखने का सही तरीका।